अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा सलाम, और जिन दोस्तों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनका बहुत शुक्रिया, उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को देखते रहिए, बहुत शुक्रिया। चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम आपको वीडियो दिखा रहे जा रहे हैं, उसमें ये है कि हम आपको अनबॉक्सिंग करवाएँगे V6 की, जो कि 100 वॉट में है। V6 बहुत ही ज़बरदस्त स्मोक में है, ये बॉक्स पैक है, तो हम आपको दिखाते हैं इसकी स्मोक टेस्टिंग की वीडियो दिखाते हैं, तो देखते हैं वीडियो की जानिब। जो लिक्विड होता है वो डलने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार इसमें लिक्विड कैसे डलता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है ना बहुत जल्दी। तो ये यूँ खोल के, ये इसकी है कोयल, ठीक है। ये कोयल में जो है उसमें आपने सबसे पहले जब अनबॉक्सिंग होती है, जब न्यू चीज़ होती है, तो उसमें से जो है आप अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये जो कोयल है इसमें सबसे पहले जो है आपने पहले जो थोड़ा सा गीला हो जाए, ताकि इसमें से ये एक या दो ड्रॉप्स आपने डालने हैं, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा गीला हो जाए। इसमें ये होता है क्योंकि अक्सर ऐसे दोस्त होते हैं जो डायरेक्ट जो है ना बस वो टैंक में जो है उसमें लिक्विड डाल देते हैं, और उसके बाद जो है वो जब कश लगाते हैं जब स्मोक के लिए, तो वो उसकी जो होती है कोयल वो जल्दी जल जाती है, क्योंकि वो ये कोयल जो है ना ये 2 सेकेंड के अंदर भी जल सकती है, तो इस वजह से जो है आपको इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। हाँ ये है कि बार बार जब आप फ्लेवर कोई चेंज करोगे या कोई और उसमें डालोगे तो आपको बार बार इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार आपने डाल दिया तो उसमें से जो है ये डल जाता है, ठीक है। तो वो मैंने गीला कर दिया, अभी चलते हैं टैंक की तरफ। ये इनका टैंक है, इसमें आपने साइड में डालना है इसमें, ठीक है। मैंने अभी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, इसको 2 से 4 सेकंड के लिए वैसे ही रख लीजिए, ताकि इसमें से जो है वो जो कोयल होती है या वो जो और वो होता है जो वो थोड़ा सा गीला हो जाए। ये रेड कलर में है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है इसका। अच्छा इसकी ये दो जो छोटे बटन होते हैं ना वो उसमें अप डाउन होता है, वॉट आपने कितने में रखना है। ये इसकी चार्जिंग की है, जो आम सैमसंग से जो केबल आता है टाइप सी नहीं, दूसरा वाला जो है जो पहले वाले मॉडलों में आता था। और ये इसका मेन बटन है, इसको 5 दफ़ा आप प्रेस करोगे तो ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ये ऑन हो गया, तो ये 100 वॉट पर, इसको मैं नीचे लाऊँगा क्योंकि हमें सबसे पहले तो 40 वॉट पे ही रखना है क्योंकि, ठीक है। और बाकी इसके बॉक्स में जो होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इसकी जो है चार्जिंग केबल है, जैसे कि ये है, बाकी ये जो है इसका वो है अपना यूज़र मैनुअल है, ये बुक जो
ये था आज का V6 का रिव्यू, तो ये देखते चलिएगा। मैंने जो फ्लेवर डाला था वो उसमें एक है, ये वाला है मेगा मेलनाइस। तो ये है आज की वीडियो, तो आज की वीडियो ख़त्म होती है ये V6। और उसके अलावा देखते हैं, तो मेरे गुजारिश है ये कि मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते जाइए और अपने इसका जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, ताकि हर आने वाली जो नई प्रोडक्ट होगी उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।